जी दोस्तों, वेलकम टू बेस्ट फाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंजन अल्तन दुजैनतन की पांच बेहतरीन मूवीज़। जैसा कि आप जानते हैं, इस टाइम इनका जो ड्रामा है अर्तुगल, ये इस टाइम पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो इन्होंने काफ़ी जो है बेहतरीन मूवीज़ की हैं, लेकिन मैं आज आपको इनकी टॉप फाइव मूवीज़ जो है वो बताऊँगा। नंबर फाइव, नंबर पाँच पे जो इनकी मूवी आती है उसका नेम है भूषण ओलसन। ये मूवी डायरेक्ट की थी ओरकॉन बेनली ने, इसको लिखा है ओरकॉन बेनली और सुक्रो ओपिनार ने। और अगर इसकी कास्ट की बात करें तो इसकी कास्ट में शामिल है मुस्तफ़ा, उरहान इस्किन, फिरत काया और इंजन अल्तन दुजैनतन। और इस मूवी के जो स्टार्स हैं वो 5.9/10 हैं। नंबर फोर, नंबर फोर पे जो इनकी मूवी आती है वो है रोमांटिक कॉमेडी 2। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था इरल उजैलवी ने, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो है मुरत तोकात, और इस मूवी को लिखा है सेरन असलान और एसली जेंगिन ने। और इसकी कास्ट की बात करें तो इसकी कास्ट में शामिल है इंजन अल्तन दुजैनतन, सिनम कोबाल, सिदव सिदव अवकी और गुरगन और सीमल हुनल। और ये मूवी जो है 14 फरवरी 2013 को रिलीज़ की गई थी, और इसका जो रनिंग टाइम है वो 110 मिनट्स है। नंबर थ्री, नंबर तीन पे जो मूवी आती है उसका नेम है अ हैंडफुल सी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लैला यिल्माज ने, और इसको लिखा भी, इस मूवी का राइटर भी और डायरेक्टर भी सेम ही है, लैला यिल्माज ही हैं। और अगर इसकी कास्ट की बात करें तो इसकी कास्ट में शामिल हैं इंजन अल्तन दुजैनतन, बिरन तुजनक और एदा एक्सेल। और इस मूवी के अगर स्टार्स की बात करें तो इस मूवी के 6.5/10 जो है वो। नंबर टू, नंबर दो पे जो मूवी आती है उसका नेम है अनादोलो करतालारी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमर वर्गी ने, इसकी कास्ट में शामिल है इंजन अल्तन दुजैनतन और कागाटे ओलोसे। और ये मूवी जो है 28 अक्टूबर 2011 को रिलीज़ की गई थी। इस मूवी की जो लैंग्वेज जो है वो तुर्किश है, और इसका जो रनिंग टाइम है वो 86 मिनट्स है। नंबर वन, नंबर वन पे जो मूवी आती है उसका नेम है रोमांटिक कॉमेडी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं कैची, और इस मूवी को लिखा है सेरन असलान और एसली जेंगिन ने। इसकी कास्ट में शामिल है सिदव अवकी, सिमल हुनल, बेंगम कुतुक और इंजन अल्तन दुजैनतन। ये भी काफ़ी फेमस मूवी रही है, इसी वजह से ये नंबर वन पे मूवी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।